था शिल्पी मिश्रा। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएगी, इसे लेकर पार्टी मंथन कर रही है। पार्टी ने सुझाव देने के लिए दो और समूह का गठन किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल की अध्यक्षता में इस पर मंथन हो रहा है। घोषणा पत्र में सभी वर्गों की राय शामिल करने पर पार्टी खासा जोर दे रही है। इसी के चलते दो और समूह गठित किए गए हैं, जिनमें धर्म, संस्कृति और अध्यात्म समूह की जिम्मेदारी रघुनंदन शर्मा को दी गई है, तो कर्मचारी वर्ग के लिए सुझाव अजय विश्नोई देंगे। 20 सितंबर तक घोषणा पत्र समिति अपना काम पूरा करके सीएम शिवराज को सौंपेगी। इसे जारी करने का फैसला सीएम और केंद्रीय नेतृत्व बाद में लेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शर्मसार करती एक तस्वीर गुना के घर नावदा गाँव में सामने आई, जहाँ के एक स्कूल में मवेशी आराम फरमा रहे थे। ये है गुना के घर नवादा गांव में बना शासकीय प्राथमिक स्कूल। स्कूल के अंदर और आसपास बच्चे और शिक्षक नजर आने चाहिए, लेकिन ये जगह स्कूल से ज्यादा मवेशियों की आरामगाह नजर आती है। स्कूल के दरवाजे ही नहीं बल्कि अंदर भी गाय और गधे आराम फरमा रहे हैं। ऐसे माहौल में बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे, इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल ये सुबह के 10 बजे का वक्त है, जब स्कूल में बच्चों और शिक्षकों को आना होता है, लेकिन उससे पहले ही स्कूल पर मवेशियों का कब्जा हो गया। स्कूल के प्राचार्य से जब इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि दरअसल स्कूल का एक कर्मचारी सफाई के बाद इसे खुला छोड़ गया था, जिसके बाद इसमें मवेशी दाखिल हो गए। मामला सुर्खियों में आने के बाद उन्होंने साथी शिक्षकों के साथ गलती सुधारने और आगे से गलती नहीं करने की शपथ भी ली। घटनाक्रम ऐसा हुआ है, हमने एक व्यक्ति को, मैंने मेरे मतलब निजी, उससे मैं उसको निजी पे मेरा पैसा देता हूँ, उसको बच्चों के हिस्से में पानी भरवाते हैं, क्योंकि यहाँ पेयजल व्यवस्था नहीं है, तो पानी भरता है वो, और वो ही व्यक्ति झाड़ जाता है, सफाई कर जाता है, चार पट्टी बिछा जाता है। तो वो उस दिन क्या हुआ कि जल्दी कर गया सफाई और चला गया वो। तो उस इसी दौरान हम लोग आए, इसके पहले वो गधा, गाय और बछड़ा ये घुस गए, इनको आगे बाद में निकाला गया। तो भविष्य के लिए उसको मैंने कह दिया है, अब वो ऐसा कभी करेगा नहीं। रायसेन के डाम डोंगरी गांव में तब हंगामा मच गया, जब एक शिक्षिका ने छात्रा की पिटाई कर दी। शिक्षिका छात्रा के स्कूल का शौचालय इस्तेमाल करने से नाराज थी। रायसेन के सुल्तानपुर तहसील के डाम डोंगरी गांव का ये शासकीय प्राथमिक स्कूल, जिसका शौचालय इन दिनों ताले में बंद है, इसका इस्तेमाल करने से छात्राओं को रोका जा रहा है, क्योंकि इसका सफाई का स्कूल प्रबंधन के पास कोई इंतजाम नहीं है। शौचालय को गंदगी से बचाने का ये तुगलकी फरमान शिक्षिका बदरू निशा ने दिया है। छात्राएं इसके चलते आए दिन परेशान रहती हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बदरू निशा ने शौचालय इस्तेमाल करने पर एक छात्रा की पिटाई कर दी, और छात्रा ने घर जाकर सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई। आती है तो खोल देती है, लेकिन बच्चे जाते हैं तो वो बोलती है गंदा मत करना, एक एक करके जाना, आराम से जाना, ये बोलती है और जाने भी नहीं देती। रानी के माता पिता जब गांव वालों के साथ स्कूल पहुंचे, तो बदरू निशा ने अपने पति को बुला लिया, जो गांव वालों को धमकाते नजर आया। गांव के लोगों ने भी डायल 100 को फोन घुमा दिया, जिससे वो उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गया। स्कूल के सहायक शिक्षक दबी जुबान में ये स्वीकार कर रहे हैं कि शिक्षिका बदरू निशा के आदेश पर ही शौचालय में ताला डाला गया है। जब बदरू निशा से बात की गई, तो उन्होंने भी बच्ची को चाटा मारने की बात मान ली। सर, प्राइमरी स्कूल के बच्चे एक साथ बाथरूम के अंदर बंद थे, लड़कियां, तो मैंने रानी नाम की लड़की से कहा, बेटा इसको बाहर निकालो, ये लड़कियों को प्राइमरी की सब इकट्ठा बाथरूम में है। तो वो बोलती, मैडम आप भी तो देख रही हो, आप निकाल सकती हो, आप नहीं जा सकती। तो इस पे से मैंने कहा, बेटा तुम जवाब देना सीख रही हो, जवाब दिया तुमने। तो बस मैंने एक बार एक लपाड़ा मारा था एक लड़की को, दो लड़कियों को भेजा था सर मैंने कि बेटा लड़कियों को बाहर निकाल दो। देश में कई गांव ऐसे हैं जहां छात्राएं प्राइमरी तक की पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि वहां शौचालय नहीं होते। वहीं जब सरकार शौचालय का इंतजाम करती है, तो बदरू निशा जैसी शिक्षिकाओं की दकियानुसी सोच सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम करती है। सागर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की एक घटना सामने आई है। यहाँ के एक प्रोफेसर ने फर्स्ट ईयर के छात्रों को कॉपियां ठेके पर जांचने के लिए दी हैं। सागर में प्रोफेसर ने फर्स्ट ईयर के छात्रों को ठेके पर कॉपियां जांचने के लिए दी हैं। ये कॉपियां बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के बीए के चौथे सेमेस्टर के छात्रों की हैं। बता दें कि फर्स्ट ईयर के छात्र हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य विवेचना विषय की कॉपी गाइड देखकर जांच रहे थे। दो छात्रों में से एक छात्र का नाम भागीरथ है,
खबर है कि आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर ने अपने फर्स्ट ईयर के छात्रों को 500 कॉपियां जांचने के लिए दी हैं। सड़क निर्माण में देरी की कीमत सागर के नरियावली के ग्रामीणों को चुकानी पड़ रही है। बारिश के दिनों में उनका सफर जोखिम भरा हो गया है। सागर के नरियावली विधानसभा के 20 गांवों को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता है। ऐसा नहीं है कि यहां सड़क और पुल का निर्माण नहीं चल रहा, लेकिन इसकी रफ्तार काफी धीमी है। बारिश के दिनों में तो लोगों का निकलना तक मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो इसके चलते दुर्घटना का शिकार भी हो गए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क और पुल निर्माण का ठेका जिसके पास है वो काफी रसूखदार है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसका खामियाजा 20 गांव के लोग भुगत रहे हैं। वहीं विधायक प्रदीप लारिया से जब इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। यहाँ एक्चुअल में बारिश में बहुत ज्यादा खचना हो रही है और इसमें गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही हैं, पैदल में चलने में भी पूरे खच रहे हैं और गाड़ी ज्यादातर स्लिप हो रही हैं, उसके कारण आदमी गिर भी जाते हैं। गरियाबंद में कर्मचारियों के हड़ताल से प्रधानमंत्री आवास योजना का काम प्रभावित हो रहा है। 23 जुलाई से गरियाबंद में हड़ताल जारी है। गरियाबंद के आवास कर्मचारियों की हड़ताल से प्रधानमंत्री आवास का काम प्रभावित हो गया है। जिले में इस वक्त 2000 से अधिक पीएम आवास का निर्माण चल रहा है। इसी बीच 23 जुलाई से गरियाबंद समेत पूरे प्रदेश के आवास कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार की योजना पीएम आवास के काम में रुकावटें आ रही हैं। प्रदेश के 4000 से अधिक आवास कर्मचारी अपने लिए वेतन मांगते हुए हड़ताल पर गए हैं। आवास कर्मचारियों को प्रति आवास 1000 रुपये कमीशन दिया जाता है और आवास निर्माण में लेट होने पर कमीशन में कटौती कर दी जाती है। कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है, क्योंकि 2022 तक सभी गरीबों को आवास प्रदान करने के बाद ये योजना बंद हो जाएगी। इन आवास कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी नौकरियों में निर्धारित उम्र के बाद आवेदन नहीं किया जा सकता और थोड़े बहुत कमीशन के लिए काम करते हुए वे निर्धारित उम्र की सीमा से बाहर हो जाएंगे और फिर कोई और नौकरी उन्हें नहीं मिल पाएगी। हम अपनी जारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाता और उन पर अमल नहीं किया जाता, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में मुंबई के वैज्ञानिक पानी की जांच करने पहुंचे। टीम ने गांव में करीब 16 स्थानों पर पानी की जांच की, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में मुंबई से होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और वैज्ञानिकों की टीम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम के साथ गाँव में पानी की जाँच के लिए पहुँची। वैज्ञानिकों ने पहले गांव वालों से जानकारी ली और इसके बाद टीम ने गांव के सभी हेडपंप की जांच की। जांच के दौरान फ्लोराइड और आर्सेनिक की जांच की गई। टीम ने गांव में करीब 16 जगहों के पानी की जांच की, जिसमें से कुछ जगहों पर फ्लोराइड युक्त पानी पाया गया, जिसके बाद वैज्ञानिकों की टीम ने उस पानी का उपयोग न करने की सलाह गाँव वालों को दी और क्रेडियम की जाँच के लिए पानी का सैंपल लेकर लौट गए। सुपेवाड़ा में गरियाबंद के देवभोग के पास, वहाँ पर हम लोगों ने भूजल की जांच की, विभिन्न स्रोतों की जांच की, जिसमें आप ओपन कुएं की भी जांच की, तालाब की भी जांच की और जो सोर्स के जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है उसकी भी जांच किया है हम लोगों ने और उसमें अलग अलग तरह के। सागर में दो ढाबा संचालकों के बीच फायरिंग में एक पंचायत सचिव की मौत हो गई। राहतगढ़ थाना क्षेत्र की सिरोरा चौकी के पास की घटना बताई जा रही है। सागर में ढाबा संचालकों की आपसी रंजिश की कीमत एक पंचायत सचिव को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सचिव अशोक लहरिया एक ढाबे पर खाना खाने आए थे, जहां दो ढाबा संचालकों के बीच फायरिंग हो गई, जिसकी एक गोली अशोक के सीने में लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो लोग घायल हो गए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के सिरोरा चौकी के पास की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें अशोक लहरिया की मृत्यु हुई है और एक विठल पटेल घायल है और पल्लू यादव घायल है। तो अभी मर्ग कायम किया जा रहा, जांच की जा रही है, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, जैसी स्थिति स्पष्ट होगी। कोरबा में इन दिनों हाथियों का आतंक फैला हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। कोरबा शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हाथियों का एक दल पिछले कुछ दिनों से घूम रहा है। बीती रात एक हाथी ने गर्भवती मवेशी को मार डाला। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि दहशत में उन्हें रात भर जागना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और हाथियों के दल को आगे जंगल की ओर ट्रैकिंग करते रहे। लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से जंगल के पास वनकर्मी तैनात किए गए और गाँव वालों को जंगल में जाने से मना कर दिया।
वहीं हाथी प्रभावित गांव के आसपास भी फोटो लेने और जंगल वाले रास्ते से नहीं जाने के लिए मुनादी कराई जा रही है। बड़वानी में बच्चों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। बड़वानी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी खास बात ये थी कि ये बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए आयोजित किया गया। जस्टिस हेमंत जोशी ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया, साथ ही उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूक किया। जस्टिस गुप्ता ने समझाइश दी कि वो कभी डरे नहीं और जरूरत पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की मदद लें। बच्चों को इस मौके पर ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी दी गई। जस्टिस गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण भी किया। धार के उदयपुर गांव से आई एक प्रसूता ने एक असामान्य बच्चे को जन्म दिया। बड़वानी में डॉक्टर्स ने दोनों को आगे के इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया है। बड़वानी के एक निजी अस्पताल में एक असाधारण बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे के 4 पैर और 4 हाथ हैं। महिला का प्रसव करा रहे डॉक्टर्स भी बच्चे को देखकर चौंक गए और उसे तुरंत SNCU में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक महिला के गर्भ में 2 भ्रूण पल रहे थे, जिनमें से एक भ्रूण पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया और वो दूसरे भ्रूण से जुड़ गया। महिला की सिजेरियन डिलीवरी कराई गई, दोनों फिलहाल स्वस्थ हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की छाती से जुड़े अविकसित भ्रूण को ऑपरेशन के जरिए अलग करना पड़ेगा, इसलिए दोनों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। महिला धार के उदयपुर गांव से प्रसव के लिए बड़वानी आई। श्रावण माह की शुरुआत आज से हो गई है, जिसके चलते सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 3 बजे भस्म आरती हुई, जिसके बाद हजारों श्रद्धालु ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल देखने को मिला। श्रावण के पहले दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध दही घी शहद व फलों के रसों से बाबा का अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मजीरे ढोल नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है, इसलिए भक्त इस माह का इंतजार करते हैं। शिव अमांत का आज प्रथम दिवस है और चूंकि कल गुरु पूर्णिमा को ग्रहण का भी एक विशेष योग बना था, इस कारण आज आरती का भी विशेष महत्व है। इसी मान्यता है के चंद्र ग्रहण के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने से, शिव के दर्शन करने से जो ग्रहण का दोष होता है वो दूर होता है। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।